बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द प्लेस ऑफ विमेन इन थिंग्स फॉल अपार्ट, ख्वातीन का मकाम थिंग्स फॉल अपार्ट के नावल में। थिंग्स फॉल अपार्ट का नावल लिखा है चिनुआ एशबी ने। डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन का बाकायदा आगाज करते हैं। चिनुआ एशबी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अफ्रीकन नावलिस्ट्स। चिनुआ एशबी अजीम तरीन अफ्रीका के नावल नगारों में से एक है। ही टीचेज अस अ ग्रेट डील अबाउट इग्बो सोसाइटी। वो बड़ी हद तक हमें सिखाता है अबाउट इग्बो सोसाइटी, इग्बो मुआशरे के बारे में। ही ट्राइज टू इग्बो मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स एंड द रोल ऑफ वेमेन इन प्री कलोनियल अफ्रीका। ही ट्राइज टू, वो कोशिश करता है इग्बो की फर्जी दास्तानों के बारे में एंड प्रोवर्ब्स और कहावतों के बारे में, यानी ज़र्बुल अम्साल, एंड द रोल ऑफ वेमेन और ख़वातीन के किरदार के बारे में इन प्री कलोनियल अफ्रीका, नौ आबादकारी से पहले के अफ्रीका में। Most of the women characters in Things Fall Apart were confined to domestic chores. Most of the women characters, ज़्यादातर ख़वातीन के किरदार in Things Fall Apart के नावल में were confined, महदूद थे, मुकैद थे, to domestic chores, घरेलू कामकाज में, घरेलू कामकाज की हद तक महदूद थे। They were bound to obey their husbands and never to question their authority. वो पैदा होती थी to obey their husbands, अपने खामदों की अतात करने के लिए, का हुक्म मानने के लिए, and never to question their authority, और कभी भी उनके इख्तियार का सवाल नहीं करती थी। They were fated to satisfy men's lust for sex. उनका मुकद्दर था, नसीब था, satisfy करना, मुतमिन करना, men's lust for sex, सेक्स के लिए मर्दों की हवस को पूरा करना। गिविंग बर्थ टू देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को जन्म देना, एंड ब्रिंगिंग अप देम, और उनकी परवरिश करना। इन एडिशन टू देयर वोमनली ड्यूटीज़, वोमनली जनाना, निस्वाना फ़राइज़ जो थे उनके, उसके अजाफे में, मजीद उसके साथ, दे हैड टू वर्क विद मैन ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन्स। दे हैड टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता था मर्दों के साथ बवाई के दौरान और कटाई के मौसमों में, मर्दों के साथ काम करना पड़ता था। मैंस क्रॉप्स वर यॉम, मैंस क्रॉप जो है मर्दों की, आदमी की फसल जो थी, क्रॉप्स, यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा, क्रॉप्स फसलें जो थी वो याम थे, कचालू थे, एंड वुमेंस क्रॉप, यानी क्रॉप्स, यहाँ पे ऐसे लगा दें, मेज, बीन्स एंड वेजिटेबल्स थी, और औरत की फसल मकई, लोबिया और सब्जियाँ थी। दे रियर पोल्ट्री एंड गोट्स टू कैटर द सप्लाई ऑफ फैमिली फूड। दे रियर, वो पालती थी पोल्ट्री, मुर्गियाँ, एंड गोट्स और बकरियाँ, टू कैटर, खाने का बंदोबस्त करने के लिए, द सप्लाई ऑफ फैमिली फूड, ख़ानदान की खुराक की फरहमी को पूरा करने के लिए। इट वाज हर ड्यूटी टू क्लीन, वाइट वॉश एंड डेकोरेट देयर हाउसेस ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज। इट वाज हर ड्यूटी, ये उसका ही फ़र्ज था, उसकी ड्यूटी थी साफ करना, वाइट वॉश करना, सफ़ेदी करना, और उनके घरों को सजाना, यानी अपने घरों को सजाना, ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स, त्यौहारों के मौका पर, एंड सेरेमनीज और तकरीबात के मौका पर। दे हैड टू गो टू मार्केट टू परचेज हाउस होल्ड कमोडिटीज़। दे हैड टू गो टू मार्केट, उन्हें बाज़ार जाना पड़ता था, टू परचेज हाउस होल्ड कमोडिटीज़, घरेलू अशिया खरीदने के लिए। वेमेन वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन देयर ट्राइबल मीटिंग्स।
डिस्क्राइबिंग विमेन वर नॉट अलाउड, खवातीन को इजाज़त नहीं थी टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने की, इन देयर ट्राइबल मीटिंग्स डिस्क्राइबिंग, अपनी कबायली मीटिंग्स अजलास के डिस्क्राइब करने में, बयान करने में. इट वॉज क्लियर फ्राम द वे द क्राउड स्टूड आर एट आर सेट डेट द सेरेमनी वॉज फॉर मैन. इट वॉज क्लियर फ्राम द वे द क्राउड स्टूड, ये हजूम जिस तरीके से खड़ा होता था उस बात से वाज़े था और सेट या बैठता था. डेट द सेरेमनी वॉज फॉर मैन, के तकरीब मर्दों के लिए थी. देर वर मैनी वेमेन बट दे लुकड ऑन फ्राम द फ्रिंच लाइक आउटसाइडर्स, बहुत सी खवातीन वहाँ पर होती थी लेकिन दे लुकड ऑन, लेकिन वो देखती थी फ्राम द फ्रिंच, हाशिए से, किनारे से, लाइक आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स की तरह से, यानी बाहर वालों की तरह से. दे वर नाट इन्वाइटेड टू स्टे वेन मैन वर एंगेज इन एनी डिस्कशन, दे वर नाट इन्वाइटेड, उनको दावत नहीं दी जाती थी टू स्टे, ठहरने की. वेन मैन वर एंगेज इन एनी डिस्कशन, जब मर्द किसी बहस में, गुफ्तगू में मसरूफ होते थे. दे डिड नाट फॉर्म पार्ट ऑफ द मैस्कुरेड्स रिप्रेजेंटिंग द जुडिशरी एंड एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, दे डिड नाट फॉर्म पार्ट, वो हिस्सा अदा नहीं करती थी, किरदार अदा नहीं करती थी ऑफ द मैस्कुरेड्स, भेस बदलने का, रिप्रेजेंटिंग द जुडिशरी, अदलिया की नुमाइंदगी करते हुए, एंड एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, और आबाई रूहों की नुमाइंदगी करते हुए. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अ मैन कुड मैरी सेवरल वेमेन, एक मर्द कई औरतों से शादी कर सकता था. देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ पेइंग ब्राइड प्राइस टू द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल्स फ्राम द सूटर्स साइड, देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ पेइंग ब्राइड प्राइस, दुल्हन की कीमत अदा करने की रिवायत थी, रस्म थी, टू द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों के वालदैन को, फ्राम द सूटर्स साइड, साइल की तरफ से, यानी लड़के वालों की तरफ से. ओकान को कुड नाट मैरी एक्विफी एट फर्स्ट, पहली बार ओकान को एक्विफी से शादी ना कर सका. बिकॉज ही वॉज टू पुअर टू पे ब्राइड्स प्राइस, क्योंकि वह इतना गरीब था कि वो दुल्हन की कीमत अदा नहीं कर सकता था. इफ अ वुमन वॉन्ट टू गिव अप हर हजबेंड, हर पेरेंट्स हैड टू गिव बैक द ब्राइड प्राइस, अगर एक औरत वॉन्ट टू गिव अप हर हजबेंड, अपने खामद को छोड़ना चाहती, हर पेरेंट्स हैड टू गिव बैक द ब्राइड प्राइस, उसके वालदेन को दुल्हन की कीमत वापस अदा करना पड़ती. सेवरल वाइव्स ऑफ अ मैन लिव्ड इन फुल कोऑपरेशन विद वन अनदर, कई बीवियाँ पूरे तावन से एक दूसरे के साथ रहती थी. गिविंग बर्थ टू ट्विन्स वाज कंसिडर्ड टू बी इल ओमन, जुड़वा बच्चों को जन्म देना बुरा शगुन समझा जाता था, बदशगुनी समझी जाती थी. एंड द ट्विन्स वर थ्रोन इनटू द ईवल फॉरेस्ट, और जुड़वा बच्चों को ईवल फॉरेस्ट, बुरे जंगल में फेंक दिया जाता था. अ वुमन इज बॉट एंड सोल्ड फॉर अ ब्राइड प्राइस, एक औरत को दुल्हन की कीमत के लिए बॉट एंड सोल्ड, खरीदा और बेचा जाता है. सो मैनी कौरी शेल फॉर हेल, हर उसके लिए बहुत से कौरी शेल देकर, सो डैट शी मे ओबीडियंटली डू हर मैंस बिडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, ताकि वो फरमाबरदारी कर सके अपने आदमी की बिडिंग जो उसने बोली लगाई थी, फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, अपनी बकिया ज़िंदगी में उसकी फरमाबरदारी कर सके. जेंडर एंड रेशल एंड सेग्रीगेशन इन इग्बो इज फर्दर रीइंफोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्ड इन मैरिज, जेंडर एंड रेशियल, जेंस और नस्ली, एंड सेग्रीगेशन और तफरीक, यानी अलग थलग रखना, अलहदा रखना. इन इग्बो, इग्बो में इज फर्दर रीइंफोर्स्ड
मजीद इस बात को मजबूत किया गया है, जोर दिया गया है बाई द इकोनॉमिक्स मुआशिया से इन्वॉल्व्ड इन मैरिज, जो शादी में मुलव्वस थी, शामिल थी। द राइट्स ऑफ एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन ऑफ विमेन, द राइट्स ऑफ एक्सचेंज, तबादले की रसूमात, एंड सर्कुलेशन और गर्दश की रसूमात ऑफ विमेन, खवातीन की गर्दश की रसूमात को मज़ीद इस बात पर मतलब जोर दिया गया है, मजबूत किया गया है। एंड व्हेन अ वुमन डाइस, और जब एक औरत मर जाती है, आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस टू हर हस्बैंड, कई सालों तक अपने खामद की खिदमत करने के बाद, हर कॉर्प्स इज सेंट बैक टू हर एंसेस्ट्रल विलेज, तो उसके कॉर्प्स को, उसकी लाश को, उसकी डेड बॉडी यानी मैयत को सेंट बैक, वापस भेज दिया जाता है टू हर एंसेस्ट्रल विलेज में, उसके आबाई गांव में। एंड हर किन्स मैन बरी हर, और उसके रिश्तेदार उसे दफन करते हैं। एज ओकानकोस मदर्स डेड बॉडी वॉज रिटर्न्ड टू रफली 30 ईयर्स बिफोर ओकानको सीकिंग रिफ्यूज देयर, जैसा कि ओकानको की वालदा की डेड बॉडी को यानी मैयत को वॉज रिटर्न्ड, वापस किया गया, वापस भेजा गया, टू रफली 30 ईयर्स, तकरीबन 30 साल, बिफोर ओकानको सीकिंग रिफ्यूज देयर, ओकानको के वहाँ पनाह लेने से पहले, 30 साल पहले वापस भेजा गया था। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हर किन्समैन टू गिव द डेड वुमन अ डिसेंट बरियल, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हर किन्समैन, ये उसके रिश्तेदारों का फ़र्ज है, टू गिव द डेड वुमन यानी मरी हुई खातून को उम्दा किस्म की तदफीन दें। जेंडर पोजिशंस एंड यूमोफिया आर स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, जेंडर पोजिशंस, जिनसी पोजिशनें एंड यूमोफिया, यूमोफिया में आर स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर की गई है, उनकी बनावट की गई है, इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, मकामी तंजीम की इस्तलाहात में। मैन लिव इन देयर ओन ओबीस, मर्द अपनी ओबीस में रहते हैं, ये मर्दों के रहने की जगह है। वेयर वीमेन विजिट देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ पर ख़वातीन सिर्फ जाती हैं जब ज़रूरत हो, जैसे और जब ज़रूरत हो। वाइल वीमेन लिव इन स्मॉल हट्स, जबकि ख़वातीन छोटी झोंपड़ियों में रहती हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कबीले के असूल ज़वाबत के मुताबिक, द ट्राइब अलाउड वाइफ बीटिंग, कबीला बीवी की पिटाई करने की इजाज़त देता है। विद इन द नावल, नावल के अंदर ओकान को बीट्स हिज सेकंड वाइफ, ओकान को अपनी दूसरी बीवी की पिटाई करता है। व्हेन शी डिड नॉट कम होम टू मेक हिज मील, जब वो उसका खाना पकाने के लिए घर नहीं आती, ही बीट हर सीवियरली एंड वॉज पनिश्ड बाई द प्रीस्ट ओनली बिकॉज ही बीट हर ड्यूरिंग द वीक ऑफ पीस, ही बीट हर सीवियरली, उसने सख्ती से उसकी पिटाई की। एंड वॉज पनिश्ड बाई द प्रीस्ट, और पादरी से उसे सजा दी गई, ओनली सिर्फ इस वजह से, बिकॉज ही बीट हर, क्योंकि उसने उसकी पिटाई की ड्यूरिंग द वीक ऑफ पीस, अमन के हफ्ते में। ही बीट हर अगेन व्हेन शी रिफर टू हिम एज वन ऑफ दोस, उसने दोबारा उसकी पिटाई की जब उसने उसे हवाला दिया, एज वन ऑफ दोस, उनमें से एक का, गन्स डेट नेवर शॉट, उन बंदूकों में से एक आ जो कभी नहीं चलती। व्हेन अ केस ऑफ वाइफ बीटिंग कम्स बिफोर द एग्वुगवो, जब बीवी की पिटाई का मामला एग्वुगवो के सामने आता है, ही फाउंड, तो उसने उसे पाया, वाई सच अ ट्रिफल शुड कम बिफोर द एग्वुगवो, कि ऐसे छोटे छोटे जो मामलात हैं, केस हैं, वो एग्वुगवो के सामने क्यों लाए गए हैं, क्यों लाए जाने चाहिए। डिस्पाइट ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इग्बो वुमेन, इग्बो की ख़वातीन पर इन तमाम पाबंदियों के बावजूद,
HP shows that they were also given some important roles to women. HP ظاہر کرتا ہے کہ ان کو کچھ اہم کردار بھی دیے گئے تھے ان خواتین کو. For instance, women painted the house of the Egwugwo. مثال کے طور پر خواتین Egwugwo کے گھروں کو پینٹ کرتی تھیں, روغن کرتی تھیں. Furthermore, مزید, the first wife of man in the Igbo society is paid special respect. Igbo معاشرے میں پہلی بیوی کو خصوصی عزت یا احترام دیا جاتا ہے. And things fall apart during palm wine ceremony at Nawakbees OB. Things fall apart کے ناول میں during palm wine کھجور کی شراب کے دوران, کھجور کی شراب کی تقریب کے دوران جو کہ Nawakbees کی OB میں مقرر کی گئی تھی اناسی میں. Nawakbees first wife was late. Nawakbee کی پہلی بیوی دیر سے تھی. While the other wives, یعنی جبکہ دوسری بیویاں could not drink before her, اسے پہلے نہیں پی سکتی تھی. The importance of women's role becomes dear when Okonkwo is exiled to his motherland. The importance of women's role becomes dear. خواتین کی کردار کی اہمیت زیادہ پیاری ہو جاتی ہے جب اوکانکو کو جلا وطن کیا جاتا ہے ٹو ہز مدر لینڈ میں, اپنے مادر وطن میں, یعنی اپنی ماں کے وطن میں, گھر ولیج میں, گاؤں میں جب جلا وطن کر دیا جاتا ہے. ہز انکل یوچینڈو نوٹسنگ اوکانکوز ڈسٹریس, اس کا انکل یعنی ماموں یوچینڈو جو ہے نوٹس کرتا ہے, غور کرتا ہے اوکانو کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے. ایلوکوئنٹلی ایکسپلینز ہاؤ اوکانکو شوڈ ویو ہز ایکسائل, فصاحت و بلاغت سے وضاحت کرتا ہے کہ اوکانکو کو اپنی جلا وطنی کو کیسے دیکھنا چاہیے. A man belongs to his fatherland when things are good and life is sweet. ایک آدمی اپنے باپ کے وطن سے تعلق رکھتا ہے جب چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور زندگی حسین ہوتی ہے. But when there is sorrow and bitterness, لیکن جب غم اور تلخی ہوتی ہے, he finds refuge in his motherland, تو وہ اپنی مادر وطن میں پناہ حاصل کرتا ہے. But above is the dismal face of women's fate as painted by Ashby. لیکن اوپر جو is the dismal face بیان کی گئی ہے, مایوس کن یا افسردہ صورت ہے of women's fate, خواتین کے مقدر یا تقدیر کی, as painted by Ashby, جیسا کہ Ashby نے تصویر کھینچی ہے. If we study Igbo African history, اگر ہم Igbo کی افریقی تاریخ کو پڑھیں, مطالعہ کریں, we would find women enjoying high status in the society, تو ہم خواتین کو پائیں گے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے مرتبے سے ان دا سوسائٹی, معاشرے میں, یعنی معاشرے میں اپنے مقام یا مرتبے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم خواتین کو پائیں گے. ویمن کنٹرولڈ سرٹن افیئرز آف کمیونٹی لائف, خواتین سرٹن افیئرز میں کنٹرول کرتی تھی, خاص شعبوں میں کنٹرول کرتی تھی آف کمیونٹی لائف, برادری کی زندگی کے. Just as men controlled other affairs, just as, جیسا کہ صرف مرد جو تھے دوسرے affairs میں, دوسرے شعبوں پر قابو پاتے تھے, کنٹرول کرتے تھے. Women were perceived to possess superior spiritual well-being and headed many of the traditional cults and shrines. Women were perceived, خواتین کو سمجھا جاتا تھا to possess superior spiritual well-being, possess رکھنا اعلیٰ قسم کی روحانی خوشحالی, well-being, spiritual well-being, روحانی خوشحالی, and headed many of the traditional cults, اور بہت سی روایتی عبادتوں میں رہنمائی کرنا سمجھا جاتا تھا, and shrines میں اور مزاروں میں رہنمائی کرنے کو سمجھا جاتا تھا. In HP's novel,
फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एशपी के नावल में द ओरेकल एज सर्व्ड बाय अ प्रीस्टेस, ओरेकल जो है गायबी आवाज़ जो है वो पेश की गई है एक पादरन की तरफ से, प्रीस्टेस की तरफ से। वेमेन कुड आल्सो गेन स्टेटस बाय अमेसिंग वेल्थ थ्रू ट्रेडिंग फार्मिंग और वेविंग। वेमेन कुड आल्सो गेन स्टेटस, खवातीन भी मकाम या मर्तबा हासिल कर सकती थी बाय अमेसिंग वेल्थ, दौलत फ्राहम करके या दौलत जमा करके, थ्रू ट्रेडिंग तजारत के ज़रिए, फार्मिंग खेती बाड़ी के ज़रिए, और वेविंग या बुनाई के ज़रिए। फ्राम अ वेरी यंग एज, बहुत छोटी उम्र से अ गर्ल स्टार्ट्स असिस्टिंग हर मदर एट होम ऑन द फार्म, एक लड़की जो है अपनी माम का अपनी माँ की मदद करना शुरू करती है, हाथ बटाना शुरू करती है एट होम घर पर, ऑन द फार्म खेत पर, यानी खेत में अपनी माँ का हाथ बटाना शुरू करती है, और इन द मार्केट प्लेस या मार्केट की मकाम पर। एज शी ग्रू ओल्डर शी वुड लर्न फ्राम एक्सपीरियंस डेट हार्ड वर्क मैरिज एंड मेम्बरशिप ऑफ सर्टेन एसोसिएशंस एनेबल वेमेन टू एडवांस सोशली। एज शी ग्रू ओल्डर, जब वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, शी वुड लर्न, तो वो सीख लेगी, जान लेगी इस तजर्बे से डेट हार्ड वर्क, उस मेहनत को, मैरिज शादी और मेंबरशिप और रुकनीत ऑफ सर्टेन एसोसिएशंस, ख़ास तनजीमों की रुकनीत को, अनेबल्ड वेमेन, जिसने ख़वातीन को काबिल बना दिया है टू एडवांस सोशली, मुआशरती या समाजी तौर पर आगे बढ़ने के काबिल बना दिया है। इन कंक्लूजन वी कैन से, नतीजे में हम कह सकते हैं डैट इन थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी थिंग्स फॉल अपार्ट के नावल में, थिंग्स फॉल अपार्ट का नावल शोज द नेचर ऑफ द ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर्स, शोज जाहिर करते हैं द नेचर, हकीकत को, फितरत को, ऑफ द ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर्स, रवायती अफ्रीका की तहजीबों को जाहिर करता है। नतीजे में हम कह सकते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो नावल जाहिर करता है अफ्रीकी रवायती तहजीबों की हकीकत को जाहिर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही द प्लेस ऑफ विमेन का क्वेश्चन, जो कि थिंग्स फॉल अपार्ट में से लिया गया है, थिंग्स फॉल अपार्ट का नावल लिखा है चिनुआ एशपी ने। तो डियर स्टूडेंट्स, द प्लेस ऑफ विमेन का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।